तमिलनाडु में 84% मामले निजामुद्दीन मरकज से जुड़े हुए कोरोना के, दिल्ली में 63% मामले निजामुद्दीन मरकज से जुड़े हुए कोरोना के, तेलंगाना में 79% मामले निजामुद्दीन मरकज से जुड़े हुए कोरोना के, उत्तर प्रदेश में 59% मामले निजामुद्दीन मरकज से जुड़े हुए कोरोना के, आंध्र प्रदेश में 61% मामले निजामुद्दीन मरकज से जुड़े हुए कोरोना के, असम में 91% मामले और अंडमान निकोबार में 83% मामले निजामुद्दीन मरकज से जुड़े हुए कोरोना के। अब बताइए अजय आलोक, जो थोड़ी देर पहले ये भाई साहब दलील दे रहे थे तबलीगी जमात के वकील और प्रवक्ता, उसको विक्टिम कार्ड नहीं कहें तो क्या कहें? मैं एक बार बताऊं रोहित जी, आप में सही में बहुत पेशेंस है। बोलिए। पिछले 20 दिनों से हम आप सबको इस बात पे बहस कर रहे हैं कि इन लोगों को कोई समझाता क्यों नहीं है, कोई समझाता क्यों नहीं है, ये लोग सामने आ जाएं, सब कुछ सरेंडर कर दें, क्वारंटाइन हो जाएं, देश का बात है, देश का बात है। आपने इतना समझाया, हम लोगों ने इतना बोला, मुसलमानों लोगों ने भी बोला कि भैया सामने निकल के आओ। लेकिन देखिए, आपके चैनल पर बैठ के जिस तरह से ढीठ की तरह ये बात कर रहा है बेशरम आदमी, अपने आप को वकील कहते हैं, पता नहीं कहां से वकालत की डिग्री लेके आए हैं। कुतर्क का कुतर्क, 30% तो हमने फैलाया, 70% किसने फैलाया, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं? मतलब आप सोचिए, इनकी मानसिकता सोचिए, ऐसे आदमियों से बहस करें कोई फायदा है? विक्रम सिंह जी ने ठीक बोला, बिल्कुल, दिस इज द टाइम फॉर एक्शन नाउ, ये अब एक्शन लेने का समय है। बहुत बहस हो गई इन लोगों की, नहीं मानेंगे ये लोग, ढीठ है, ढीठ और बेशरम है, और अपने कारण सबको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, पूरे देश को खतरे में डाल रहे हैं। और देश को खतरे में जो डाले उसको कभी नहीं बख्शना चाहिए, उससे बात करने बहस करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब शर्म नहीं आती कहते हुए कि 30% कहां कहां फैला दिया, असम में 94%, एक इकलौता अरुणाचल प्रदेश में मिला वो भी जमाती। मतलब मकसद क्या है कि सारे देश के हर राज्यों में, हर यूनियन टेरिटरी में घूम घूम के जाके फैला दीजिए, और ये मुजीबुर रहमान टाइप का बेशरम आदमी बैठ के यहां पर डिफेंड करे उसको? ये नहीं होता है कि हमसे गलती हुई है, हम अपने लोगों से अपील करते हैं कि जो जो जहां है वहां वापस आ जाइए। एक आदमी ने अपील नहीं किया, ना इन्होंने अपील किया, ना इनकी जगह जो भी आते हैं साजिश की है, कभी किसी ने अपील नहीं किया। आपके लोगों से गलती हुई है और हमारे लोगों ने मानने वाले नहीं है, ये ठीक है, ये है प्रॉब्लम, ये है इस्लामोफोबिया। कौन से हमारे लोग? हमारे तो आप भी हैं, हमारे तो आप भी हैं। शुक्र मानिए कि जमात को अभी तक अपना मान रहे हैं हम लोग, वो जिहाद है। शुक्र मानिए कि जमात को हम लोग अपना मान रहे हैं, आप तो अपना मानते ही नहीं। आपके लोग और मेरे लोग, देखिए ये कम्युनल कर रहे हैं, ये अभी भी सांप्रदायिक एंगल ढूंढ रहे हैं उसमें। अगर आपके आदमी से हुआ तो वो गलती, और अगर किसी मुसलमान से हुआ तो वो साजिश। सांप्रदायिक एंगल अभी भी ढूंढ रहे हैं, हम लोग इनको अभी भी अपना मान रहे हैं। ये अटैक करते हैं पुलिस वालों पे, स्वास्थ्य कर्मी पे, हम लोग इनको क्वारंटाइन कर रहे हैं, इनकी दवाई कर रहे हैं, इनका इलाज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अपने लोग हमारे लोग। आप मानसिकता देखिए, ये अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हैं। अगर आपके आदमी से हुआ तो क्या फायदा इनसे बहस करने से? इस पैनल में बैठा हुआ हर व्यक्ति बताए कि ऐसे व्यक्ति से बहस करें कोई फायदा है? अभी तुमने खुद प्रिवेंटिव हुआ तो वो जिहाद है, वो साजिश है। आज तुम अजय आलोक नंगे हो चुके हो नेशनल टेलीविजन के ऊपर। मुसलमान कहां से आ गया? सारे मुसलमानों का ठेका तबलीगियों ने ले लिया क्या? आप डिफेंड मत करो अपने आप को, नंगे हो चुके हो तुम। अच्छा एक सेकेंड ना प्लीज, कपड़े उतारने का बहुत शौक है मुजीबुर रहमान, समझिए इस बात को, टीवी पर है आप लोग, कपड़े उतार के मत बैठिए, देश देख आप मुझे, और बातों में ही कपड़े उतर जा रहे हैं ना, यहाँ पता लग रहा है चीजों का। मैं एक बार अभी 40 सेकंड दूंगा, उसके पहले जरा एम एच खान बहुत देर से हाथ उठाए हुए, आपको दूंगा मैं 40 सेकंड दूंगा, मैंने कहा 40 सेकंड दूंगा लेकिन थोड़ा रुक के, आप सबके बीच में बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा। एम एच खान आपने सुन लिया, अजय आलोक ने जब सवाल उठाने शुरू किए तो उन्होंने मेरे आदमी तुम्हारे आदमी करना शुरू कर दिया, जबकि थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे हम तो केवल 30% है, बाकी 70% कहां से आया? और जब राज्यवार आंकड़ा दे दिया गया कि कितने कितने लोग जमात से जुड़े हुए हैं, तो उसके बाद वो गाली गलौज की स्थिति पर आ गए। अब इसका हल क्या है, इलाज क्या है, क्या करें? पुलिस कार्रवाई होगी तब भी कहा जाएगा कि साहब देखिए मुसलमान है इसलिए कार्रवाई की जा रही है हमारे ऊपर। देखिए रोहित जी, फिर मैंने आपसे कहा आप उस बात पे उस पॉइंट को पकड़ नहीं रहे हैं, उस पॉइंट को छोड़ दे रहे हैं आप। देखिए जब कह रहा हूं मैं कि जो लोग मुसलमान वो होता है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने, अल्लाह को माने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते पर चले, उसको मुसलमान कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इंसान की तकलीफ को देख करके तड़प जाते थे,
उनके ऊपर ईंटे पत्थर मारे जाते थे तो वो उसका जवाब ईंटे पत्थर से नहीं देते थे, प्यार मोहब्बत से देते थे। मैं शुरू से कह रहा हूँ तबलीगी जमात मुसलमानों की जमात नहीं है, मुसलमान मत कहिए इनको, ये मुसलमान की श्रेणी से खारिज हो चुके हैं, ये मुसलमान है ही नहीं। जो अल्लाह के रसूल को ना माने, जो उनके अहले बैत को ना माने, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हुए रास्ते पे न चले, जो मस्जिदों में रह के आठ आठ दिन अपने आप एक एक महीना गुजारे और अपने घर परिवार का ख्याल न रखे, पड़ोसी का ख्याल न रखे, वो मुसलमान कहाँ होता है? वो मुसलमान नहीं है। मुसलमानों के नाम पर ये धब्बा है, ये उनको मुसलमान मत कहिए। रोहित जी मैं कहता हूँ मुसलमान मत कहिए, किसी मुफ्ती से फतवा ले लीजिए कि ऐसे लोग जो वलियों को ना मानते हो, जो मौला अली मुश्किल कुशा को ना मानते हो, जो गरीब नवाज को ना मानते हो, जो गौस पाक को ना मानते हो, वो मुसलमान की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जो अपने बाप को ना माने, जो अपनी माँ को ना माने, वो मुसलमान की कैटेगरी में कहां से आ जाएगा साहब? मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि इनका इनका हिसाब किताब बराबर करिए।